तो हम कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत मिस करते हैं जब। सो ये चीनी को मैंने ऐसे पीस लिया है, तो उसको अब मैं जो दूध है फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल माची ब्लॉग। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और यस, अगर आप आज हमारा वीडियो देख रहे हो तो आज होली, तो हैप्पी कलरफुल होली। और आपके मुझे देखना आपके मुंह पे बहुत सारे कलर है, पूरे गीले हो। अगर आप होली खेल रहे हो तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे मुझे फोटोज शेयर करना है, और अनन्या वुड लव टू सी। सो यस, अ वेरी 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 हैप्पी होली। हमारा सोसाइटी तो आपको पता है सील्ड है, और महाराष्ट्र में केसेस बहुत हैं। सो आती नहीं यार इतनी। सो हमारी तो होली नहीं होगी उतनी, बट देखेंगे, ट्राई करेंगे, कुछ तो माहौल बनाने की कोशिश करेंगे हम घर पे ही। पर आपने होली कैसे मनाई ज़रूर बताना, अगर आपके वहाँ पे होली अलाउड है, आपने खेला, सो ज़रूर बताना। बेचारी बटरफ्लाई। सो विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली एंड यस वेलकम बैक टू द चैनल। और स्टार्ट करते हैं आज का दिन। और एक स्टोरी है, बेचारी बटरफ्लाई को विंग टूट गया, मैंने वापस से जोड़ दिया। वाह क्या स्टोरी थी, मज़ा आ गया सुबह सुबह। सो बेसिकली आज नाश्ता वगैरह हो गया है, तो अभी थोड़ा क्लीन अप करूँगी और फिर ये फ्रूट्स कट करने हैं मुझे। कट करने वाली हूँ मैं मेरा फेवरेट फ्रूट। बताइए इसमें से कौन सा है मेरा फेवरेट फ्रूट। पाइनएप्पल। मुझे पाइनएप्पल बहुत पसंद है। अनन्या को वाटरमेलन पसंद है। कहाँ चटती है अनन्या, मैं किचन में तो आके नहीं बैठती। रिसेंटली आई लाइक इट। रिसेंटली यू लाइक इट, मतलब अनन्या को पहले पसंद नहीं था पाइनएप्पल, एक बार टेस्ट किया तो अच्छा है। अच्छा, तेरे बाल ऐसे झाड़ू बने रहते हैं हमेशा। अगर अगर आपको आपके घर पे झाड़ू करवाना है तो कॉल करो 8999009992। ये क्या नंबर है? तो मैं झाड़ू करने आ जाऊंगी मेरे बालों। बहुत ही गंदा जोक्स है ना, बिल्कुल अपने पापा पे जाती जोक्स मारने पे, पीजेस मारने लगी है ना। सो हाँ, मैं कहती मुझे पाइनएप्पल मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। सुभाष को नहीं पसंद है, अनन्या को पसंद नहीं था, थोड़ा बहुत पसंद आने लगा है शायद, पर मुझे बहुत पसंद है। तो एक ये पक गया है, चाट मसाला डाल के बहुत पसंद है। और एक ये देखो, मुझे इतना पसंद है कि वो कच्चे 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 आते हैं ना, चुपे, तो वो पकने में टाइम लगता है। तो एक ये पक गया, एक मैंने ऑलरेडी रखा है कि एक दो दिन में ये भी पक जाएगा। तो मुझे इतना पसंद है पाइनएप्पल। तो चलो फटाफट हम बनाते हैं फ्रूट सैलेड। हमारे पास है चीकू, चुभता है वो वाला फ्रूट ही पसंद है आपको। तो हमारे पास है चीकू, हमारे पास है केला, और हमारे पास एप्पल भी है। हम बनाते हैं फ्रूट सैलेड फटाफट। और मैंने लास्ट टाइम मेरे वीडियो में जो मेरा वास टूट गया था, तो आपको पूछा था कि आपको मेरा वास कैसा लगा, जो मैंने जुगाड़ किया था कॉपर का जो जग था वो। सो आप सबको वो बहुत पसंद आया। सो आई थिंक देन आई विल कीप इट, अगर वो अच्छा लग रहा है सो आई विल कीप दैट। तो जग को ही यूज कर लेते हैं हम एज अ वास। और दूसरा एक और कमेंट का करना था। हाँ, दूसरा था कि वो जो अरे हॉपस्कॉच खेल रही थी ना, तो मैंने पूछा था कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो काफी लोगों का आया है अब तक जो मैंने कमेंट पढ़ा था, काफी लोगों का आया है तित्ती और एक और नाम था पिच्चू समथिंग समथिंग, तो बहुत सारे नाम आ गए, लेकिन मुझे अभी तक वो नाम नहीं मिला हिंदी में, हम कुछ और बोलते थे उसको। मुझे देखना पड़ेगा गूगल पे। और इन द मीनवाइल अगर किसी का कमेंट आता है तो मैं शेयर करूंगी, वरना आई विल ट्राई कि हाँ उसको फाइंड आउट करना। कुछ अलग सा नाम था, स्टेपू बोलता था वो पत्थर से जो हम खेलते थे वो, और ये ऐसे हाँ स्टेपू, हॉपस्कॉच का कुछ और नाम था, देखना पड़ेगा। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो हमारे घर में जब बारिश होती है हमको अम्ब्रेला नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि ये लड़की देखो, और इसका क्या हो रहा है रनिया, अम्ब्रेला का ये कौन सा गेम है? The umbrella going up and down, up and down, खड़े जाओ, टूट जाएगा अम्ब्रेला, हमारे पास और अम्ब्रेला नहीं है। आपका अभी कितने साल के होने वाले हो, इस ईयर कितने ईयर के हो जाओगे? एट। आपकी बिहेवियर से तो नहीं लग रहा है कि आप 8 years के हो जाओगे। चलो छोड़ो उसको, टूट जाएगा ना, छोड़ो निकलो 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 निकलो। कितना अच्छा राइड है, इतने टॉयज हैं आपके पास, आपको ये अम्ब्रेला पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल निकाल के सब चीजें लेके आती है। सीरियसली नहीं, मैं बंद करके रख लूँ उसको।
किचन का काम अभी थोड़ा सा डन हो गया है। किचन का काम इज डन तो क्या बोलूँ, किचन इज नेवर एंडिंग जॉब, कभी ख़त्म नहीं होता है। सो अभी मुझे घी भी बनाना है और मलाई इकट्ठी हो गई है। और आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट किया था कि मैं जब घी बनाऊँ उसका रेसिपी प्रॉपरली शेयर करूँ, तो वो मुझे शूट करना है। और यहाँ पे थोड़ा मैंने कहा थोड़ा बैठ जाते हैं हम, और अनन्या यहाँ पे टाइम पास कर रही हैं। अनन्या के थर्ड स्टैंड की बुक आ गई ना, उसके थर्ड स्टैंड की बुक आ गई है, उसने पढ़ डाला सारा। दो तीन बुक्स हैं हिंदी की, इंग्लिश की, और ये वैल्यू एजुकेशन, इसमें ना मॉरल स्टोरीज होती हैं बच्चों की, सेफ्टी के रिलेटेड। हाँ, तो स्टोरी बुक्स तो उसको स्टोरी बुक्स तो उसको बहुत पसंद है। सो पढ़ डाली उसने, इंग्लिश की भी पढ़ डाली, इंग्लिश की यहीं रखी हुई है इसकी थर्ड स्टैंड की बुक, इंग्लिश की पढ़ डाली उसने। इसमें सड़ाकू सासकी की स्टोरी है, जो एटम बम डिजीज से मर गई थी बेचारी, नागासाकी हिरोशिमा वाला ना। हाँ, सो उसने सब पढ़ डाली, यही लेके बैठी अभी। स्टोरी बुक छोड़ दी उसने, अभी स्कूल की बुक्स पहले पढ़ ली, सेशन से पहले है ना। मलाई इकट्ठी हो गई है, इसको मैं डायरेक्टली फ्रीजर में फ्रीज करती हूँ। इसमें दही वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, और जिस दिन मेरे को घी बनाना होता है ना, तो फ्रीजर से निकाल के फ्रिज में मैं रख देती हूँ ओवरनाइट, तो सुबह तक ये सॉफ्ट हो जाता है। इसमें मैं डालूंगी पानी, क्योंकि मैं कम बनाती हूँ तो मेरा एक बार में हो जाता है। अगर आप दो बार बना रहे हो, अगर आपका ज़्यादा है तो आपको दो बार में ये प्रोसेस करना पड़ेगा, या फिर जितना आपका मलाई है उस हिसाब से रिपीट करना पड़ेगा। अब इसको मिक्सी में घुमा लेंगे, बन के आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर ढक्कन में दाने दाने आ रहे हैं, तो उसका मतलब इसका जो मक्खन है वो निकल गया है। सपोज आपका ऐसा ट्रांसपेरेंट मिक्सी ना हो तो आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। सो ये देखिए, इसके ऊपर जो है मक्खन अच्छे से आ गया, इसका मतलब ये हो गया है। ये जो मक्खन है इसको हम निकाल लेंगे। सो इसमें से मैंने जितना हो सके उतना मक्खन निकाल लिया है, इसको मैं एक दो बार और घुमा लूंगी, क्योंकि इसमें से थोड़ा मक्खन और निकलेगा। और अगर समर सीजन है ना, तो आप इसमें थोड़ा बर्फ भी डाल सकते हो, तो वो इजीली निकल जाता है। और यहाँ पे जो ये पानी है, इस पानी को भी हमको निकाल लेना है, तो इससे घी जो है काफ़ी अच्छा बनेगा। और ये जो बच गया इसको आप छाछ, मसाला छाछ बना के पी सकते हो, या फिर इसकी कड़ी बना सकते हो। सो ये मेरा इतना मक्खन आ गया है, मैं गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर करके इसको छोड़ दूंगी, और ये अपने आप ही फिर बनता रहेगा। जब ये ब्राउन हो जाएगा मैं इसको बंद कर दूंगी। ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया है, तो मैं इसको बंद कर दूंगी, क्योंकि अभी ये गर्मी में और कुक होगा तो ये जल ना जाए, तो इस पॉइंट पे बंद कर दूंगी। अब इसको ठंडा करके फिर इसको मैं छान लूंगी। वो उड़ के नीचे आके खा जाएंगे उसका। मैंने टी शर्ट चेंज कर ली है, हेयर बैंड पहन लिया है, और मैं लेके आई हूँ साथ में कोकोआ पाउडर। आपको याद है मैंने जब बिस्किट बनाए थे उस टाइम पे मैंने बताया था कि मेरे दो कोकोआ पाउडर हैं वो एक्सपायर होने वाले हैं। फाइनली एक तो कंज्यूम हो गया, ये एक पूरा का पूरा डब्बा रखा हुआ है, एंड ये एक्सपायर हो गया है फरवरी में पिछले महीने। सो अभी मैं सोच रही हूँ उसको फेंक तो सकते नहीं है, तो अभी ये यूज़ होगा मेरे फेस पैक की। सो यहाँ पर ले रही हूँ मैं थोड़ा सा कोकोआ पाउडर, हनी, थोड़ा सा कच्चा दूध। मुझसे पूरी अभी डेरी मिल्क की खुशबू आ रही है। तो ये फेस पैक मेरा देखिए ऑलरेडी ड्राई हो गया है, सो आई जस्ट वॉश इट। और मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी, तो उसमें जो गेम था ना, जो हॉपस्कॉच मैंने पूछा था ना हिंदी में क्या बोलते हैं, तो काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ लिखा था, बट आई थिंक कितकित काफ़ी लोगों ने लिखा था। कितकित इज़ आई थिंक द राइट वर्ड, मुझे एग्जैक्टली क्लिक नहीं हो रहा है, बट आई थिंक कितकित इज़ वेरी क्लोज। यहाँ पे लंच हो गया है,
और यहाँ पे हो रही है आइसक्रीम खाने की तैयारी। उप्स, क्या तोड़ा पापा ने डब्बा। और आने क्या चूज करी थी अभी कि कौन सी कटोरी बड़ी है, तो सबसे बड़ी वाली कटोरी चाहिए है ना, फिर कौन सा निकला बड़ी पता नहीं यार। वेलकम टू समर। अरे कौन सा कटोरी चूज किया था, तीनों सेम सेट है, सेम सेट है कटोरियों का। अनन्य ने कौन सा चूज किया था, ये कटोरी मेरी है सबसे बड़ी है बोल के, कहती कटोरी मेरी है सबसे बड़ी है, ये देखो ये है उल्लू, ऐसे होते हैं उल्लू। बेबी वो सेम सेट है सब आइसक्रीम का। ओके अनन्या आइसक्रीम का कह रही हूँ, कटोरियों का ना वो सेम सेट है, सब सेम साइज के हैं। आ रहा है ऐसे आइसक्रीम यू स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, यू स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। एक वो स्कूप आउट करने वाला होता है ना आइसक्रीम का, वो लेके आना पड़ेगा, मस्त स्कूप निकलता है उसका। नो 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 ना, डोंट टच इट, आप दिले में नहीं है ओए सुबह है ना, वो मंगाओ एक, मंगाना पड़ेगा स्कूप, मस्त आता है ना उसमें देखने में, बड़ा अच्छा लगता है आइसक्रीम। तो नहीं जी आप पास से, आप पास से नीचे तो क्या करोगे, खाली आइसक्रीम लेके बैठो, कटोरी चाहिए खाली बैठो। चलो हम लोग मजे लेते हैं आइसक्रीम के। सो आज बहुत बड़ा शेफ आया है किचन में, शेफ का ग्लव तो देखो, फ्रोजन शेफ है हमारी, फ्रोजन फ्रोजन एलिसा की, गरम गरम चाय बना रही है, ठंडी ठंडी ग्लव्स पहन के। इसलिए मैंने उसको वो केटल नहीं दिया, मगर तोड़ ओड़ देगी। अनन्या आज हमारी चाय बना रही है, आज तो चाय बहुत मीठा हो ना, बिना शुगर की ना अनन्या, मीठा हो जाएगा। उधर देख के कर लो, बना लिया अनन्या ने चाय है ना, और बाल बाल पूरे दिन खुले 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 है ना। आपको कुछ बताऊं? हे भगवान, चाय देने जाए थे तुम्हारे ने, चाय रख के बात करनी है क्या? एक्चुअली मेरे हैंड्स अभी हॉट हो गए, ये मैंने कॉर्ड को निकाल दिया है और मेरे हैंड्स हॉट हो गए, इसमें से पावर निकलेगा। अगर अभी आपने चाय नहीं दिया ना, तो आपकी चाय हॉट से ठंडी हो जाएगी, खुद ही ले लेती हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, अरे मैं अपना ले लूंगा, पापा को दे दो, पापा को दे दो, इसकी बातों में लगेंगे तो चाय ठंडी हो जाएगी हमारी। दोनों हाथ से पकड़ रही हूँ, पापा को दो, पापा की तो क्या मस्त मीटिंग चल रही है। सो अभी मैं बनाने वाली हूँ, बनाने क्या इनफैक्ट प्रिपरेशन करने वाली हूँ, नमक पारे और शक्कर पारे होली। हाँ हाँ शक्कर पारे बना रही हूँ, सुभाष और अन्य को दोनों को शक्कर पारे बहुत पसंद है और मुझे नमक पारे, तो होली नमक पारे खट्टा होता है भैया, ये तो नया फ्लेवर है, नमक पारे नमकीन होता है ना, खट्टा कैसे होता है। सो शक्कर पारे के लिए ये है चीनी, इसको मैं पीस लूंगी और इसको मैं दूध में डाल के 5-10 मिनट के लिए रख लूंगी, उसके बाद फिर मैं उसको आटे को उसमें गूंदूंगी। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट। सो ये चीनी को मैंने ऐसे पीस लिया है, तो उसको अब मैं जो दूध है उसमें मिक्स कर दूंगी। इसको मिक्स करके मैं छोड़ दूंगी, तब तक मैं यहाँ पे मैदी की जो प्रिपरेशन है वो कर लेती हूँ। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेसिकली 1 किलो मैदा, तो होली भी आ रही है और सुभाष बहुत दिनों से मुझे, सुभाष और अनन्या बहुत दिनों से मुझे नमक पारे शक्कर पारे कर रहे थे, मैं कहा चलो होली आ रहा है, ओकेजन भी है तो बना लेते हैं। पहले ना मैं गुजिया वगैरह भी बनाती थी। हाँ हाँ अरे मैं बोल चुकी हूँ बहुत बार, नमक डालना भूल गई। सो थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूंगी, मुझे ना तो मैं गुजिया जब हम जर्मनी में थे ना, वहाँ पे मैं बहुत बनाती थी, तो मैं मिलता नहीं था गुजिया वगैरह, पर यहाँ पे आके एक शॉप है बहुत अमेजिंग, उसके उनके गुजिया होते हैं, तो मैं गुजिया तो नहीं बनाती, बाकी ये इस तरह के छुट मुट थोड़े से कभी बना लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे तेल, मैं बताती हूँ आपको तेल किस हिसाब से डालना है। वैसे मैंने मैदा 1 किलो नहीं लिया है, थोड़ा छोड़ दिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि मुझे नमक पारे भी बनाने हैं तो बहुत ज़्यादा तलने के लिए हो जाएगा, सो मैं आज इतना ही बनाऊंगी। सो ये देखिए इसमें तेल मैंने इतना डाला है कि ये देखिए ऐसे मुट्ठी बनाए तो ये इकट्ठी हो जाए, तो मतलब ये मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको हम एक हार्ड सा आटा करके इसको, ये जो हमने मिक्सचर बनाया था ये वाला, इसमें हम हार्ड सा करके गूंद लेंगे। सो अभी दूध और चीनी वाला मिक्सचर ख़त्म हो गया है, तो मैं अलग से थोड़ा सा पानी ले लिया है और उससे इसको
हम अच्छा सा मोटा सा करके हार्ड सा करके गूंद देंगे। और सपोज आपकी चीनी आपको लगता है मीठा कम है यू नो, तो आप थोड़ा सा ये पाउडर शुगर आप साइड में रख सकते हो। तो जस्ट टेस्ट के हिसाब से आप ऐसे लेके, मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, मैं आपको बस दिखा रही हूँ, ऐसे ऊपर से डाल के फिर आप उसको गूंद सकते हो वापस मिक्स करके। सो अभी देखिए ये बाइंड होने लग गया है। इस टाइम पे बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस टाइम पे हम पानी ज़्यादा डालेंगे तो वो पतला हो जाएगा। सो इसी में ही आप ट्राई करें कि यू नो बाकी जो है उनको एक साथ रोल करें, एंड यूज योर टू हैंड्स इफ रिक्वायर्ड। देखिए ऐसे बाइंड हो गया, मैं बहुत ज़्यादा नहीं गूंदती हूँ उसको, उसको मैं ढक के छोड़ दूंगी 15-20 मिनट तक रेस्ट होने के लिए। एक्चुअली ये शक्कर पारे नमक पारे बनाने का ना बहुत तरीके हैं, तो ये मेरा तरीका है और काफ़ी लोगों के अपने खुद के तरीके होते हैं। कुछ कलौंजी अजवाइन ये सब भी डालते हैं, आईने को पसंद नहीं है इसलिए मैं वो डालती नहीं, मैं सिंपल प्लेन ही बनाती हूँ। तो ये मैंने आपको शक्कर पारे का दिखाया। ऐसे ही सिमिलरली नमक पारे में वो चीनी और वो वाला ना डाल के आप नॉर्मल पानी के साथ या दूध के साथ आप सेम पूरा प्रोसेस है उसमें गूंद लीजिए। और इस आटे को मैं बहुत ज़्यादा नहीं गूंदती हूँ, काफ़ी लोग इसको बहुत गूंदते हैं, ज़रूरत नहीं है गूंदने की, बिकॉज इसको आप अभी 15-20 मिनट तक ऐसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दोगे ना, तो ये आराम से आप जब इसको बेलोगे उस टाइम पे हल्का सा गूंद दो बेलने से पहले, तो ये परफेक्ट हो जाता है। सो अराउंड 15 मिनट्स हो गए, तो यहाँ पे आटा है और यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है। सो मैं आपको दिखाती हूँ इसको मैं कैसे बेलती हूँ। मैं इनिशियली नमक पारे शक्कर पारे बनाती थी ना, मैं एक 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 करके पीसेस डालती थी, पर बाद में मुझे पता लगा कि आप एक खट्टे डाल दो वो तेल में अपने आप ही सेपरेट हो जाते हैं। और तेल को मीडियम हीट पे रखना है। और इसमें ना काफ़ी लोग बेकिंग पाउडर भी डालते हैं, वो भी आप डाल सकते हो। और हाँ, सूजी पड़ता है, जो आटा होता है ना जब आप गूंद रहे होते हो मैदे को, सूजी पड़ता है, तो आज मैं वो भूल गई डालना। वीडियो शूट करते करते ना मतलब दिमाग से काफ़ी बार निकल जाती है चीज़ें, सो आई थॉट मैं मेंशन कर दूँ। तो आप अगर उसमें सूजी डालते हो रॉ सूजी तो थोड़ा और क्रंची बनता है। सो हमारी मैडम पहुंची हैं टेस्ट करने के लिए। यस, कैसा है? करने के लिए टेस्ट एंड टेस्ट दोनों। टेस्ट एंड टेस्ट की टेस्ट। क्रंची हुआ है कि नहीं हुआ ये बताओ। हुआ है। अच्छा, जब गर्म रहता है ना क्रंची नहीं होता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है फिर उसमें क्रंच आ जाता है ना। फ्रेंड्स ये फाइनली लास्ट बैच है, वो थक गई मैं सीरियसली। और ये देखिए कितना सारा बना है, ये बना है 1 किलो से कम मैदा, इतना ये इतना मैदा बच गया है इसमें। सो अगर आप अकेले बना रहे हो ना, 1 किलो से ज़्यादा मत बनाओ। मुझे तो लगा था कि मैं आज नमक पारे भी बना लूँगी, बट आई एम वेरी टायर्ड यू नो। अगर फैमिली में सब लोग साथ में होते हैं ना, जनरली फेस्टिव सीजन में क्या होता है, सब साथ में बैठते हैं, कोई बेल रहा होता है, कोई तल रहा होता है, तो उसमें अपना ही मज़ा है और फिर थकान भी नहीं होती और सब साथ में करते हैं तो ज़्यादा और जल्दी काम हो जाता है। बट यहाँ पर अकेले ही सब कुछ करना है और रात को फिर डिनर विनर भी बनाना है, सो इट्स बेटर कि मैं आज के लिए नमक ये शक्कर पारे भी ख़त्म करूँ। नमक पारे आई मेक इट टुमारो। सो या यही चीज़ सबसे ज़्यादा मिस होती है यू नो, जब भी कोई त्यौहार होता है सबके साथ बैठ के प्रिपरेशन, त्यौहार के दिन से ज़्यादा मज़ा आता है उसकी प्रिपरेशन में, जो मज़ा आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो हम कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत मिस करते हैं जब अकेले कहीं दूर रहते हैं। तो हमारी तो छोटी सी होली की प्रिपरेशन काइंड ऑफ हो गई है, शक्कर पारे मीठा बन गया है भाई। या नमक पारे बनाएंगे, देखते और कुछ मन करेगा तो अलसी। और इस साल ना बहुत मिस हो रहा है होली, आई मीन लास्ट ईयर भी थोड़ा बहुत मना लिया था हमने, लेकिन जो उससे लास्ट ईयर था जब ये कुछ भी कोविड शोविड का नहीं था ना, इतना अमेजिंग होली सेलिब्रेशन यहाँ पे होता है, हमारे सोसाइटी में होता था। मैं एक जस्ट फोटो पिछले साल का एक फ़ोटो मैंने इंस्टाग्राम में मैं होली वाले दिन डाल दूँ, मतलब आज डाल दिया होगा जब होली है तो वो चेक करना, वो उस साल का था जब हमने बहुत मस्ती भर के बिल्कुल होली खेला था। बहुत अच्छा होली सेलिब्रेशन होता है, समा वो सब मिस हो रहा है। आई रियली होप अगले साल तक सब सॉर्ट आउट हो जाए सीरियसली। तो डिनर करने के बाद रहा नहीं गया मुझसे, तो मैंने नमक पारे भी बना लिए, गर्मा गर्म बिल्कुल रेडी है। और ये शक्कर पारों को मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है और बहुत ही यम बने, बहुत क्रंची बने हैं। एक्चुअली मैं सोचा था कल बनाऊंगी, बट देन कल होली की शॉपिंग वगैरह करने जाना है, थोड़ा बहुत काम है बाहर, मैंने फिर कल टाइम मिले ना मिले तो बनाना है तो करके ख़त्म करो, सो डन हो गया। सो हमारी तो होली की छोटी सी प्रिपरेशन हो गई और आप सब ने आई एम श्योर होली बहुत एंजॉय किया होगा। पॉसिबल हो तो इंस्टाग्राम पे पिक्स ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, आई वुड लव टू सी दैट। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ दोबारा आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक यू ऑल टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी होली वंस अगेन।